Hello everyone, this is Raju here and today I am going to start JavaScript. आज मैं JavaScript शुरू करने जा रहा हूँ और next 2 month तक मैं JavaScript पे हर 2 या 3 दिन में एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ. सो मैं यहाँ JavaScript बेसिक लेवल से लेके पूरा मॉडर्न JavaScript एडवांस लेवल तक कवर करने वाला हूँ next 2 से 3 month में. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज JavaScript? सो जावा स्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबको पता है. सो आज के टाइम जावा स्क्रिप्ट इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है? आज आईटी सेक्टर में सब हर कोई जावा स्क्रिप्ट के बारे में बात क्यों कर रहा है? बिकॉज अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विदाउट जावा स्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट आज के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है. इट डज नॉट मैटर ऑन विच स्टैक वी आर वर्किंग. ओके, चाहे आप PHP पे काम कर रहे हो या ASP.NET पे काम कर रहे हो या फिर आप Django पे काम कर रहे हो या फिर आप मर्न स्टैक या मीन स्टैक, ये तो पूरा JavaScript ही है. इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कभी. सो वेब डेवलपमेंट में कोई भी स्टैक आप यूज़ कर रहे हो, JavaScript यूज़ होगा ही होगा. ओके, सो JavaScript इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो यहाँ पे दो चीज़ हमें स्टार्ट करें, उससे पहले दो चीज़ जानना ज़रूरी है. The first and very important thing, what can you do with JavaScript? So, in web development, we can do almost anything. लगभग सब कुछ हम लोग कर सकते हैं JavaScript की हेल्प से, from front end to back end. We can do anything in JavaScript. Like आपने नाम सुना होगा React, Node. React is a front-end framework. Sorry, React is a front-end library, not framework. And Node is a runtime. Okay, back-end runtime. So you can do anything in JavaScript, especially in web development. Without JavaScript, web development बिल्कुल भी possible नहीं है. And आज के time में JavaScript mobile development में भी बहुत बड़ा role play कर रहा है. अगर किसी ने React Native का नाम सुना हो, React Native, so ये पूरा का पूरा JavaScript पे है. ओके, और हम React Native की हेल्प से क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं. अब एक क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है? मतलब ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जो विंडो फ़ोन पे भी चलेंगे, आईफोन पे भी चलेंगे, एंड्रॉयड फ़ोन पे भी चलेंगे. ओके, सो अगर हम जावा की हेल्प से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं तो सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन पे चलेंगे, विंडो एंड आईफोन पे नहीं चलेंगे. बट अगर हम रिएक्ट नेटिव में बनाते हो एप्लीकेशन तो विंडो पे भी चलेगा, आईफोन पे भी चलेगा, एंड्रॉयड पे भी चलेगा. दिस इज व्हाट वी नोन एज क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन. सो वी कैन बिल्ड, हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हैं. इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में तो जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर ही रहा है आज के टाइम में. ओके, एंड अदर देन दैट, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ओके, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, हर कंपनी आज के टाइम में अपनी वेबसाइट में, अपने प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा है. चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रही हैं. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू विद जावास्क्रिप्ट? एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच और JavaScript developer earn? Okay, this is the second question. Yeah, and one more thing. If you see this graph, see here. This is the data from 2020. अभी 2021 का ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, बट एक कुछ ही मंथ पुराना डेटा है. So most used programming language among developers worldwide as of early 2020. ओके, सो जावास्क्रिप्ट आप यहाँ देख सकते हो 67.7% डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं. ओके, एंड सेकंड नंबर पे HTML CSS, एंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज बिना HTML CSS का हम वेबसाइट के बारे में सोच भी नहीं सकते. तो सेकंड नंबर पे, देन SQL, देन Python, देन Java. ओके, सो आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सबसे ज़्यादा स्कोप है, एंड Python के बाद सबसे अच्छा पैसा है. जावास्क्रिप्ट से अच्छा पैकेज अगर किसी लैंग्वेज में है आज के टाइम में, वैसे हम
ये नहीं बोल सकते कि जावास्क्रिप्ट में ही अच्छा पैकेज है बाकी में नहीं है। हर लैंग्वेज की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, एक्सपीरियंस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, किस स्टैक पे काम कर रहे हो, ओके। बट अगर एज ए फ्रेशर आप कहीं ज्वाइन करते हो तो सबसे अच्छी सैलरी, सबसे अच्छा पैकेज आज के टाइम में किसी स्टैक पे अवेलेबल है तो वो है मॉन या मिनी स्टैक, जो कि जावास्क्रिप्ट पे है, मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, या तो जेंगो जो कि पाइथन पे है, ओके। सो यू कैन सी हियर 67.7% डेवलपर्स आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो डिमांड बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की हाई है। द सेकेंड थिंग, हाउ मच अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर कैन अर्न, हाउ मच अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स अर्न। सो अकॉर्डिंग टू Indeed.com, यहाँ पे आप देख सकते हो, अराउंड दिस मच 1,09,093 डॉलर्स पर ईयर। दिस इज द सैलरी ऑफ, एवरेज सैलरी ऑफ जावास्क्रिप्ट डेवलपर यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट का है, अभी डॉलर में है 1,09,093, 1,09,093, 1 डॉलर में 72 रुपीज़ होते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ कि अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो तो एज अ एवरेज एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर की सैलरी क्या होगी, तो इंडिया में भी एक एवरेज जावास्क्रिप्ट डेवलपर की सैलरी अराउंड 10 लाख टू 20 लाख, ये इंडिया में सैलरी है। अगर एज अ फ्रेशर एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर की सैलरी इंडिया में क्या है, सो इट कैन बी अराउंड 4 लाख टू 10 लाख, डिपेंड आप परफॉर्म कैसे करते हो, इंटरव्यू में आपके क्या स्किल हैं, इंटरव्यू में आप अपने आप को कैसे रखते हो, ओके। सो बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं, फाइन। सो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट में अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं, मैं बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ कि कैसे जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल फर्स्ट अपना प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम लिखेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी कर सकते हो, एटम कर सकते हो, सबलाइम कर सकते हो, बट अगर मेरे से पूछोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड मैं बोलूँगा, ओके। बिकॉज अब इसके मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, इस पर किसी और दिन बात करेंगे, फाइन। सो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड मेरा ओपन है, मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। सो लेट मी डू वन थिंग हियर, सो लेट मी ओपन अ फोल्डर, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैं पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सो एक डेस्कटॉप पे आप फोल्डर क्रिएट कर लो, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप पे, HTML नाम से, JS नाम से मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ, फाइन। एंड देन इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, JS, ओके। तो हमारा ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है, फाइन। सो अब हम क्या करते हैं इस फोल्डर में, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। सो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html, index.html, दिस इज HTML फाइल। देन यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट कोड लिख देता हूँ HTML का। सो विजुअल स्टूडियो कोड में एक शॉर्टकट है, एक्सक्लेमेटरी साइन ST, जस्ट एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन टैब, हमारा एक बॉयलर प्लेट कोड आ गया, ओके। नाउ ये हमारे HTML कोड है, अब इसमें जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ लिखेंगे। सो जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए बॉडी के अंदर हम ओपन करेंगे स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट ओपन एंड स्क्रिप्ट देन क्लोज। फाइन, एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। सो लेट्स राइट फर्स्ट लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट, कंसोल डॉट लॉग एंड देन लेट्स प्रिंट अ मैसेज हियर,
हेलो वर्ल्ड, डन। सो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है। जावास्क्रिप्ट में हमने अपना पहला एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा। अगेन, जावास्क्रिप्ट कोड हम कहाँ लिखेंगे? HTML कोड में। वी कैन राइट जावास्क्रिप्ट कोड इन सेपरेट फाइल एंड देन हम उस फाइल को HTML फाइल में इंपोर्ट करेंगे, बट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है? अभी सेम फाइल में मैं कैसे जावास्क्रिप्ट कोड हम लिखेंगे हम उसकी बात करते हैं। तो बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज, देन उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, इसको सेव कर लेते हैं। फाइन, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। देन डेस्कटॉप पे हमारा जो जेएस फोल्डर है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे index.html को अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ गूगल क्रोम। एंड देन राइट क्लिक, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, देन हियर, जस्ट अ मिनट, एंड देन क्लिक हियर ऑन कंसोल। कंसोल सी द आउटपुट हियर, हेलो वर्ल्ड हियर। सो व्हाट एवर वी आर गोइंग टू राइट हियर, हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे, लेट मी राइट समथिंग एल्स, कंसोल डॉट लॉग, दिस इज माई फर्स्ट जेएस प्रोग्राम। ओके, सो सेव करते हैं, देन रिफ्रेश करते हैं। सी, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई फर्स्ट जेएस प्रोग्राम। फाइन, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, यहाँ पे बस इतना ही करते हैं। एंड देन इन चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, और फिर जावास्क्रिप्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थोड़ा आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, हमने एक फर्स्ट छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखा जावास्क्रिप्ट में कि कैसे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, okay?